हेलो दोस्तों, और बढ़िया चल रहा है। चलो आपके लिए एक क्लास और स्टार्ट कर दी। आपको पता चल गया ये वाली जो हमने अब इस टाइम पे स्टार्ट की है एडवांस मैथ्स में, जिसमें कोण हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो कोण की हमारी इसमें क्या है, 2 क्लास हो चुकी हैं, वो सभी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगा। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि पीछे की क्लासों को बार बार पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगा। दूसरी बात, उसमें बताने का जो तरीका है वो बहुत धीरे 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 हर चीज़ को खोल के है। तो वेट कीजिए, आराम से समझिए, एक एक बात को कॉपी में लिख लिख के पढ़िए, ठीक है ना। और अभी हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, उसको क्वेश्चन ऑफ टाइप चल रहे हैं कि कैसे कैसे टाइप। कल हमने एक टाइप स्टार्ट किया था लास्ट में, वो टाइप कौन सा था देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक सवाल करना है, मान लो जैसे ये वाला सवाल टाइप चल रहा था, ये वाला, जब 2 समांतर लाइन हो, है ना, पैरेलल लाइन हो, और उन पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, ऐसे। फिर उसको एक दूसरी लाइन और काटती है, तो ऐसे कुछ काटती है, तो उसके आधार पे हमने कुछ सीखा था। तो आपको बस यही बात ध्यान देनी है कि जब भी 2 लाइनों को कोई लाइन काटती है तो उसमें क्या होता है। उसमें देखो, यहाँ पे एक एंगल बनता है, मान लो ये जैसे कितना है, 1 2 3 4 जो बनते हैं। फिर यहाँ बनते हैं कितने, 5 6 7 और 8। तो देखो इसमें एक जो है ना, इस एक के इक्वल 5 है, क्यों है एक के इक्वल 5। तो यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं, जैसे 1 और 5, 1 बराबर 5 जो है, ये क्या है, संगत कोण है। बात समझ में आ रही, क्या बताया था आपको, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल है। एक दूसरा कोण और भी जानते हैं सभी, 1 और 5 है, कौन कौन से हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। जैसे 4 और 8 की बात करें, कोण 4 है ना, कौन सा, कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी कौन से हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल हैं। यानी कि सेम जगह पे होंगे ना, जैसे इस लाइन के नीचे हैं तो नीचे हैं, ऊपर हैं तो ऊपर हैं, इधर 2 ऊपर है तो ऊपर है, ऐसे करके कोरस्पोंडिंग। ये तो इक्वल हो गए, 6 6 का कोरस्पोंडिंग 2 होगा, 3 का कौन होगा, 7 होगा, सबको मालूम है। अब एक और सिखाया था मैंने, जो मतलब जो बीच बीच में आते रहेंगे ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एक और जो मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था एकांतर कोण। अब एकांतर कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ रही ना। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल जो होंगे, देखो 2 तो इंटीरियर होंगे, जैसे ये 3 4 5 6, ये क्या है, इंटीरियर यानी अंत है, इन लाइनों के बीच में आने वाले अंत होंगे। इन लाइनों से जो बाहर बन रहे हैं, दोनों तरफ बाहर, जैसे 1 2 बाहर है, 8 और 7 बाहर है, ये बाह्य हैं, एक्सटीरियर हैं। तो इंटीरियर का इंटीरियर ही होगा, एक्सटीरियर का एक्सटीरियर ही होगा, ठीक है ना, ओके। तो देखो जैसे हम ओनली इंटीरियर की बात करते हैं, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इसमें कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 6, यानी कि 4 का इंटीरियर जो होगा ये होगा इधर, इधर वाले का दूसरी साइड होगा लेकिन नीचे होगा। मेरी बात समझ में ना, जैसे इसकी बात करें तो दूसरी साइड होगा लेकिन ऊपर होगा, तो ऐसे होगा, एक ही एंगल है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार एंगल 3 का कौन होगा, एंगल 5 होगा। ये तो इंटीरियर में आ गए। बात की जाए एक्सटीरियर की, यानी बाह्य कोणों की, तो बाह्य कोण कौन से हैं, एक है, तो 1 का बाह्य 8 है, लेकिन इधर न होकर के उधर होगा, इधर से उधर, उधर से इधर, ये ध्यान रखना है। कोण 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होगा वो क्या होगा, कोण 7। इसी प्रकार कोण 2 जो है, एंगल 2 है, उसका क्या होगा, कोण 8 होगा। और ये सभी इक्वल होंगे, बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ कोई एंगल बनाता हूँ तो उसके इक्वल यहाँ बनेगा। ये जो है ना, मैंने जेड की पोजीशन काफ़ी बार बता दी है, ठीक है ना। तो इस दौरान ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये और ये इक्वल होते हैं तो ये कौन से इक्वल हैं, ये ऑल्टरनेट यानी कि एकांतर इक्वल हैं, समझ गए। अगर कोई एंगल यहाँ है तो उसका इक्वल ये भी तो है, अरे ये और ये भी तो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये कौन से हैं, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हैं यानी कि संगत कोण है, ठीक है ना, ओके। तो आपने इतना सब सीख लिया था, अभी जो जो चीज़ हमारे काम आएगी, देखो ये डायग्राम आपको हर सवाल में ढूंढना है, इतनी बात ध्यान देना। और हमने कल एक सवाल और पढ़ा था जिसकी सीरीज हम आगे चलाएंगे, उस रूल से रिलेटेड कितने सवाल बन सकते हैं वो सभी पढ़ेंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए, आपको हर तरीके का सवाल समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूँ, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि
कि जब कोई लाइन ऐसे आ जाए, और मान लो कि कोई लाइन ऐसे आ जाए, तो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। बात समझ में आ रही क्या? ए बी और सी डी है, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल ए है और यहाँ पे कोई एंगल बी है, तो मैंने आपको कल डायरेक्टली बताया था ना कि यहाँ जो वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। वो मैंने कैसे बताया था कि देखो, जैसे डायरेक्टली बताया था, बाकी प्रूफ करके पहले भी दिखाया था, आज दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जितने तरीके से कर सकते हैं वो सभी देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये ए और बी हैं, तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों का योगफल यहाँ होगा, आंसर ये होगा, लेकिन कैसे होगा वो समझें, ठीक है ना, ओके। तो ध्यान से देखना एक बार, देखो ये वाली जो लाइन है, हम क्या करते हैं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, हम अपनी मर्जी से एक लाइन और खींचते हैं, और ये लाइन मैंने अपनी मर्जी से खींची है जो कि इन दोनों के ही पैरेलल हैं, यानी इसके भी पैरेलल है, इसके भी। अब जरा मैं आपसे वापस कहता हूँ कि ये डायग्राम इसके अंदर ढूंढिए, इसके अंदर, तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, तो ऐसे करके ऐसे बनाया, ठीक है ना, ये यहाँ पर बना दिया, ये बना करके ये जो लाइन चल रही है ना, इस लाइन को मैं ऐसे काटता हूँ, यहाँ जो एंगल बना हुआ है ए है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर भी ए होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ तक जो बनेगा वो क्या होगा, ए होगा। ये ए क्यों होगा, क्योंकि ऐसे एकांतर कोण बनता है, जब भी ये जेड उल्टा या सीधा कैसे भी बने तो उसमें ये बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर होते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये रूल हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ देखो ये जेड बन रहा है ना, तो एक बार मैं इसको भी अलग से बना के बता देता हूँ। ये लाइन दोनों ऐसे हैं, एक तो ये लाइन है और एक नीचे वाली, दोनों लाइन आ गई, इसको एक तिर्यक लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे निकाल रही है। तो यहाँ वाला जो एंगल है वो सवाल में दिया गया है कि ये बी है, अगर ये बी है तो ये भी बी है क्या, क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, बी होगा। तो अगर हम इस पूरे की बात करें तो मुझे बताओ ये कितना होगा, ए प्लस बी होगा। यही तो प्रूव करना था कि भाई ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल कितना होगा, ए प्लस बी होगा। मेरी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप देखते जाइए, मैं हर चीज़ को बिल्कुल आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हर बच्चे को समझ में आएगा, बस ध्यान दो कि पीछे की क्लासों को देखते हुए आगे चलें, ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताओ अगर ये ए प्लस बी है, मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को, अब तो आप समझ चुके हो, मैं इसको सारे को हटा करके यहाँ पर ए प्लस बी लिख देता हूँ, है ना। तो ध्यान देना कौन से वाला ए प्लस बी आया, जब भी ये कभी एम की साइज़ का कुछ बने डायग्राम, एम देखो, एम इस तरीके उल्टा सीधा ऐसे रख रखा है, यहाँ बनने वाला एंगल ये क्या है, इस डायग्राम के, मान लो जैसे ये, इसको ढक देता हूँ मैं, तो इसके अंदर बन रहा है, अंदर ए बन रहा है, अंदर बी बन रहा है, तो इनका योगफल हमेशा बाहर होगा, योगफल कितना होगा, बाहर होगा, ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। तो बस इसका योगफल यहाँ जो अभी अभी हमने प्रूव किया, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अंदर का बाहर, बाहर का अंदर रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये अपने पास में एक तरीका आ गया, ये जो मैंने अभी बात बताई इसको ज़रा ध्यान देना, यानी कि ये ए प्लस बी है, ठीक है, ओके। तो अब हम इससे आगे सवाल करते जाएंगे। आपसे अगर कोई दूसरी बात पूछे कि सर ये बताओ कि अगर ये ए है और ये बी है तो इसको हटाओ, और आप तो सर ये बताओ कि ये कितना होगा, बोला ये तो वेरी सिंपल, कैसे, अरे अभी अभी पता चला ये ए है, ये बी है, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी होगा, ये तो मालूम है। अगर ये ए प्लस बी होगा तो आपको मालूम है पूरा ये एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल बनता है, यानी 360 बनता है। 360 में से अगर ये वाला पोर्शन हटा देंगे तो बाकी ये बच जाएगा, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 360, है ना, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि ये वाला एंगल पूरा का पूरा जोड़ के इस टोटल में से घटा देंगे। ये माइनस का चिन्ह यहाँ से अंदर दोनों को माइनस कर देगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस ए और माइनस बी। मेरी बात समझ में आएगा। और एक बात और मैं आपको साइड में बता देता हूँ, जैसे आपने ये लिखा है तो इसके आधार पर मैं एक बात बताता हूँ कि पाई के इज इक्वल टू बराबर 180 डिग्री होता है, यानी हम ये कहेंगे कि एक पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। पाई का जो निशान है ना, ये 180 डिग्री को व्यक्त करता है। तो अगर हम 2 पाई की बात करें तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना होगा, एक पाई का मान 180, तो 2 पाई का मान कितना होगा, 180 का डबल कर दो 360 डिग्री। 3 पाई का कितना होगा, 3 से गुणा कर दो 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या हम
इस 360 की जगह 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 360 की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई और आगे माइनस ए माइनस बी। ये वाला मान लो यहाँ का एंगल दिया है, बोले कि ये एक्स है तो इसका मान बताओ। तो इसका मान देखो ये भी सही है, लेकिन किसी सवाल में ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो कि इसकी जगह 2 पाई दिया गया हो तो आप इसको समझ सकते हो आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, इसको देखो जैसे पूरे को ये भी लिख सकता था, ये देखो ध्यान दो, इसकी जगह पे यहीं चेंज कर लेता, इसको क्या लिखता 2 पाई, किसको लिखा 2 पाई, 360 को लिखा 2 पाई माइनस, और कोष्टक में ये a प्लस बी ऐसा कैसा पड़ा रहता, मान लो खोल के माइनस में चेंज नहीं करता, तो ये भी हो सकता है। तो एक सवाल को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, ये आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, इससे आगे चलते हैं। बस आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए, साथ वाले बच्चों को शेयर कर दीजिए साथ साथ में, ताकि उनको भी पता चले कि क्लास चल रही है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, दूसरा सवाल देखो, जैसे ऐसा ही सवाल है, अभी अभी मैंने जो करवाया इसी पे आधारित मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो है आपको यहाँ दिया गया ए, यहाँ दिया गया बी और यहाँ दिया गया 45, बात समझ में आ रही क्या, ठीक है ना। अगर ऐसा आपको दिया गया तो आप मुझे बताओ, जैसे आपके पास सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो ए प्लस बी का मान बताओ। ओहो सर, ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया, क्या पूछ लिया आपने। देखो अभी ये डायग्राम उल्टा बना हुआ था, मैं आपको वापस थोड़ा बंद करता हूँ, इसको बंद कर दो, जैसे यहाँ से बंद कर देते हैं। बंद करने पर इसके अंदर अंदर ए आ रहा है, इसके अंदर इस एरिया ना, ये अंदर वाला एरिया, इस अंदर वाले एरिया के अंदर ही क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसके अंदर ही बी आ रहा है, इन अंदर वालों का योगफल बाहर मिलता है, आप ऐसे याद रखें। दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ, है ना, देखो ऐसे अगर हो तो इसमें मान लो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक वाई है, ठीक है ना, तो इसका योगफल कहाँ मिलेगा, जैसे मान लो इसको बंद कर दो, तो ये अंदर अंदर एरिया का जो योगफल है इनका योगफल कहाँ मिलेगा, आपको बाहर मिलेगा, यानी बाहर वाले का मान कितना होगा x प्लस वाई। मैंने आपको परसों की क्लास में ये बताया था, तो ध्यान देना ये दो प्रकार के डायग्राम बनते हैं, इसमें से इसका मान बाहर, इनका भी मान बाहर, अंदर वालों का बाहर, बाहर वालों का अंदर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अभी मैंने जो सवाल पूछा वो सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो इसका मान सीधा सीधा 45 डिग्री दे ही रखा था, बात समझ में आई ना सबको, ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर हमें कुछ दिया है, ये दिया है, ठीक है, ओके, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये ध्यान देना है ना, और ये जो लाइन है ये लाइन तो समांतर है ही, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और इसके आधार पे देखो ये कितना है, 60 डिग्री है, और ये यहाँ पे 50 डिग्री है, तो देन ये वाला बताओ, ये वाला मान लो x डिग्री है। आपके सबके सामने सवाल है, आप जल्दी से इसको कीजिए फटाफट, आप कितनी देर में कर पाते हो मेंटली, बस आपके पास 2-4-5 सेकंड है, जो रूल आपने सीखे हैं। मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जैसे मैं इसको लाइन को AB लिखूँ, इसको CD लिखूँ, वो सब नहीं, आप समझदार हो, बस ऐसे कर लो उसको। तो जल्दी से देखो, देख लिया सबने, कर लिया, ओके। अब मैं बताता हूँ, देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, मैंने कहा ये रूल आपका जहाँ लगता है ना वहाँ लगा दीजिए। मैं इसको नीचे वाले को मिटा दूँ, ये काफ़ी देर से आप देख रहे हैं संगत कौन से हैं, पैरेलल कौन से हैं, सबको मालूम है अल्टरनेट वगैरह, ठीक है। तो ध्यान दो, इससे आगे मैं ये कहता हूँ कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं, इस डायग्राम को ऐसे घुमा दें, अरे ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, और फिर इसको एक तिरियक लाइन खींचे। तो ध्यान देना, दो लाइन जो ये पैरेलल होती हैं इनके अंदर ये कोण बनता है, अंदर ये बनता है, इन दोनों का टोटल यानी सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये नीचे वाले मान लो इनका योगफल भी कितना होता है, 180 होता है। इसमें भी ये है ना, जैसे 3 है और 6 है, दोनों एक ही साइड है ना, एक ही साइड, दोनों अंतः बने, दोनों बाह्य बने, यानी दोनों एक्सटीरियर दोनों इंटीरियर का टोटल कितना होता है, 180 होता है। अब अगर हम बात करें इनकी कि इधर का ये बाहर है और उधर ये बाहर है, भाई अंतः तो जो इसके बीच में आएगा वो आएगा, तो इनका योगफल भी कितना होता है, 180। तो डायग्राम ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसमें ढूंढो, इसमें देखेंगे तो देखो ये पैरेलल लाइन चल रही है, और इसको लाइनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये लाइन काट रही है ना। और बात करें अगर इसकी, तो देखो ये लाइन भी आगे बढ़ाएं तो ये ऐसे काट सकती हैं। क्या हम इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं? अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास में एक डायग्राम बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन, और इसको एक तिरियक लाइन काट रही है, बोलो काट रही है क्या? अगर ऐसे काट रही है तो मुझे बताओ इसका और इसका योगफल कितना होगा,
180 होगा और आपका जो x है वो यही है, ध्यान दो ये वो x है, तो आपको ये कोण चाहिए बस। तो ये कोण कैसे आएगा, अरे वेरी सिंपल, पूरा कितना 180 और ये 60, 50 मतलब 110, और ये कितना बच गया है सर, ये तो 70 बच गया। अगर ये 70 बच गया है तो ये 110 बचा कि नहीं बचा, कैसे बचा, इन दोनों का योगफल देखो, अभी अभी बताया था, अभी साइड में बता देता हूँ, इस डायग्राम को साइड में बनाता हूँ। अगर ये वाली लाइन ये है, फिर ये वाली लाइन ये है, और इसको एक लाइन ऐसे काटे और ये लाइन आपको पता चला 70 है, तो ये 110 होगा कि नहीं होगा, अरे दोनों इंटीरियर एक ही साइड के, तो इसलिए इसका मान कितना आया, 110 डिग्री आया। मेरी बात सबको समझ में आई, हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं बस, आप देखते जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा, टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ये तो मैं आपको एक ही टाइप, अभी एक ही टाइप के लेके चल रहा हूँ, ये जो आपने ये टाइप पढ़ा है ना, ये जो कल एम बनाया था, उसके आधार पे जितने भी बनने वाले हैं उन सब को लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो मैं अब ज़रा इससे आगे का बनाता हूँ जो आपने पढ़ लिया है। जैसे कि ये एंगल है, ये लाइन, ये लाइन, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मान लो कि ये 107 डिग्री है, ठीक है ना, और मान लो कि ये 113 डिग्री है, हो गया। तो आपको ये वाला बताना है ना। इसको बताने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, एक तो मैंने आपको सीधा ही बताया था कि अभी अभी एक डायग्राम सिखाया कि अगर ऐसा अंदर कोई कोण, जैसे इसको यहाँ से बंद करते हैं तो ये अंदर अंदर वालों का योगफल कहाँ मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो वो बाहर मिलेगा, मिलेगा। अगर हमें ये दोनों टोटल, इन दोनों का टोटल बाहर आ जाता है तो बाकी बच गया अंदर, यानी 360 में से घटा देंगे। एक तरीका ये, बोलो सबको समझ में आ गया, एक मिनट कर देते हैं, चलो फिर इसको मिटा के दोबारा लिख के कर देंगे दूसरे तरीके से। तो ये वाला एंगल कैसे होगा, ये होगा 107 प्लस 113, 220 हो गया। अगर ये 220 हो गया है बाहर वाला, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 360 में से 220 बाहर का घटा दो, बराबर कितना बचेगा, 140 डिग्री आंसर आएगा। बोलो सबको समझ में आया, 360 में से ये घटा दिया, क्यों घटा दिया, ये 220 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं शायद, ओके। अब मैंने कहा जैसे दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, उससे इसका आंसर कैसे निकालते हैं, है ना, तो वो भी आप समझ सकते हो। देखो तरीके सीखो ताकि वो कहीं भी लगा सके, है ना, दिमाग हर तरफ से चलना चाहिए। जैसे मैं वापस इसी सवाल को लेता हूँ, और मान लो कि ये लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन ऐसे आ गई, और ये लाइन ऐसे आ गई। यहाँ मैंने कोई एंगल दिया था 107 डिग्री, चलो ऊपर नीचे उल्टा सीधा कैसे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, और ये वाला एंगल पूछा था, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करें, और वो लाइन कैसी है उसका भी ध्यान देना, वो लाइन, ये दोनों तो पैरलर होती हैं इस सवाल में, इसके पैरलर एक और खींच दी, अरे भाई एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, कितनी लाइन पैरलर खींचो, एक लाइन अगर इसको तिरछा काटती है, यहाँ बनने वाला, यहाँ बनने वाला, यहाँ बनने वाला, ये सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, एक जैसी पोजीशन पे। दूसरी बात, अगर हम दो लाइनों को ऐसे काटते हैं ऐसे, तो इसके इधर दोनों बनने वाले इंटीरियर, दोनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। हमें वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, अगर मैंने ये लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ की है, और तो थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ा दो, अपनी मर्जी से बढ़ा दिया क्या, ओके, तो मुझे बताओ ये लाइन इसको काट रही है क्या, जरा सिर्फ इतना देखना कि क्या अपना ये रियल, ये रूल लग सकता है। तो देखो ध्यान दो, ये जो इतना है, कितना है, ध्यान देना, ये और ये, इन दोनों का योगफल 180 होगा कि नहीं होगा, बोला सर होगा, क्यों होगा, ये इसलिए होगा भाई, ये दो सीधी लाइन जा रही हैं और इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, तो उन दोनों के अंदर बनने वालों का योगफल 180 होता है, तो 180 होता है, तो ये 107 है, बाकी बच गई है, बाकी कितना बच गया, अरे 180 में से 107 घटाओ, बराबर आ गया ये 73, कितना आ गया, ये 73 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इधर वाले की, इसको भी ज़रा बढ़ाओ, इसको आपने बढ़ा दिया और ये आपने बढ़ा ही रखा है, तो इसको देखना सिर्फ इतने को, है ना, ये दो लाइन जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, बिल्कुल काट रही है, इसके आधार पे एक इधर भी तो बन रहा होगा, एक इधर, ये दोनों बन रहे हैं, इनका योगफल कितना है सर, इनका योगफल भी 180 है, क्योंकि जब भी दो लाइनें जाती हैं और उनको जब कोई लाइन काटती है, तो दोनों इंटीरियर एक्सटीरियर का टोटल क्या होता है, 180, तो ये दोनों इंटीरियर बन रहे हैं, ये 113 है, तो ये कितना बच गया, ये 180 में से 13 घटाओ,
180 में, सॉरी 113 घटाना है, तो 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 67 बचेगा। बात समझ में आ गया? ओके, तो अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 67 और प्लस 73, जो इन दोनों को जोड़ोगे 70 और 70 कितना आएगा, 140 डिग्री। आपको मेरा रूल समझ में आया? मैंने आपको इस सवाल को दो तरीके से बताया। दो तरीके से बताना का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब कि आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई और तरीके से दिमाग लगाओ ऐसे भी कर सकते हो, बस रूल चलना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? टकाटक बने रहिए, देखते रहिए, बस आंसर आता ही जाएगा। फटाफट देखिए इससे आगे हम बहुत सारे रूल पढ़ेंगे, टेंशन मतलब इसके अंदर कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बस आप तो ध्यान देते जाइए। ओके ठीक, अब मैं एक अच्छा सवाल, इसका आंसर आप देना। जैसे मैंने ये दिया और मान लो ये लाइन दी, दे दी दो लाइन, अब मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, एक लाइन यहाँ तक ले जाता हूँ। ये कोण मान लो एक्स डिग्री है, ये कोण मान लो वाई डिग्री है, और ये कोण मान लो जेड डिग्री है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताना है, और वो क्वेश्चन है कि अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करते हो तो आएगा क्या। सवाल सबको समझ में आ गया? भाई ऐसा डायग्राम दे रखा है, x यहाँ, y यहाँ, z यहाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा। सब कर रहे हैं आराम से, मेरे साथ साथ भी करते रहिए ताकि मैं भी बताता रहूँ और आपका आंसर भी आता जाए। लेकिन फिर भी आपके पास में 2 सेकंड का टाइम है, बस हल्का सा टाइम है रे बाबा, फटाफट बस पानी भी होती देर में। आ गया आंसर? ओके, देखो जिनका नहीं आया, मैंने अभी अभी आपको एक रूल बताया है ना, वो क्या है एक बार देखना, मैं वापस आता हूँ वहीं पे। देखो बार बार मैं ये चीज़ को क्लियर करने से क्या इस डायग्राम में वो दिखने लगेगा। अगर कोई लाइन ऐसे है, मैंने तिरेक लाइन छोटी खींची है, कहने का मतलब अगर ऐसे ना हो तो आपको दिखनी चाहिए कि हाँ ये आर पार है। अगर ये आर पार है नहीं है तो आप बना लो भाई, बात ये कि ये रेखा तो अनंत तक जा सकती है ना। तो मुझे बताओ ये और ये दोनों इंटीरियर हैं, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, क्या इसमें ऐसी पोजिशन है? बोला सर नहीं है। तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे? अगर हम ऐसे चलते जाएँ, ऐसे चलते जाएँ, तो देखो ये जो लाइन है ना वो इनको कंपेयर करो ऐसे कि जैसे मान लो ये डॉट डॉट वाली है, दिखाई दे रहा है, और इस लाइन के अंतर्गत यहाँ से ये कटिंग हो रही है, बोलो हो रही है क्या, दिख रहा है आपको? तो क्या ये और ये दोनों इंटीरियर बनेंगे? अगर इंटीरियर बनेंगे तो आप मुझे बताओ, यानी कि अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। अरे ये अगर x है, ये कितना है x है, तो ये कितना होगा? बोला सर ये 180 माइनस x होगा। मेरी बात समझ में, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों का योगफल 180 है, तो 180 में से x यहाँ पे है, तो बाकी 180 में से x घटा दो, बाकी का यहाँ पर है, सेम पोजिशन यहाँ हो। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये दोनों लाइन, अब आप ऐसे समझेंगे कि ये लाइन तो कंप्लीट है ना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके जैसा सेम फीलिंग आनी चाहिए इसलिए वैसा ही बनाते हैं, ऐसे तिरछी लाइन इसकी तो ऐसे ही बनाते हैं। फिर ये डॉट डॉट वाली लाइन इस बार ऊपर है, नज़र आ रही है ये वाली लाइन, इसके आधार पर अगर ये वाई है, बोलो दिखाई दे रहा है, ये y है, तो ये वाला जो होगा, ये वाला कितना होगा, ये भी 180 माइनस वाई होगा। क्यों होगा रे? अरे सर ये इसलिए होगा, इनका भी तो योगफल 180 होता है, क्योंकि ये भी तो अंतःकोण ही बनते हैं। ये लाइन मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ की, आप अपनी मर्जी से कहीं भी लाइन खींच सकते हो, बस उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे नहीं वहाँ खींच दी क्या काम आएगी, है ना? ओके, तो ध्यान दो, इसका मतलब अगर हम बात करें इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये वर्टिकल अपोजिट है रे, शीर्ष अभिमुख है रे, इट मीन्स ये और ये क्या है, इक्वल है। मेरी बात समझ में आई? ये और ये क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि z के बराबर इन दोनों का टोटल होगा, तो z बराबर है, z के बराबर क्या है, 180 माइनस एक्स, ये हो गया, प्लस दूसरे वाला और है 180 माइनस वाई। मेरी बात समझ में आ गया? यानी जेड के बराबर टोटल ये, क्योंकि शीर्ष अभिमुख है भाई, तो इसके बराबर इन दोनों को जोड़ोगे, तो इसको जोड़ दिया प्लस इसको, दोनों को लिख दिया प्लस करके, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे
अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड, हमें जो चाहिए उस पर ध्यान दिया करो। तो z तो इधर है, क्या ये x वाला माइनस का और माइनस का y दोनों को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा क्या? बोला हाँ ठहर, ये टेक्निक अच्छी है रे, x और y दोनों ही इधर आ गए हैं और z यहाँ पहले से ही ऑलरेडी प्लस में है और इधर ये 180 और ये 180 दोनों प्लस में है, 180 प्लस 180 बराबर बोलो कितना होगा, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 360 होगा। वेरी सिंपल, मेरी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर, आप तो बस यूं ही टकाटक चलते रहिए, क्लियर है? ओके, बस ऐसे ही हम सीखते जाएंगे नंबर नंबर से। अब आप शायद रूल को समझने लग गए हैं, धीरे धीरे और समझेंगे, टेंशन मतलब बहुत दूर तक जाना रे, यहीं पे थोड़ी रुकना है, इसीलिए साथ साथ में नोट भी करते जाएं और रोज़ उसको रिवाइज़ करें, रोज़ पढ़ें, क्लास को दो बार देख लो, तीन बार देख लो, क्या पैसा थोड़ी लग रहा है इसके अंदर, है ना? तो बस चलते ही जाएंगे। अब देखो, अब हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे एंटीना के जैसा, कोई नाव के जैसा। भैया ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। अब मैं एक लाइन इधर भी खींच देता हूँ, ये और ये क्या हैं, पैरेलल हैं। बात समझ में आ रही क्या? ओके, तो ये आपको दे दिया है मान लो 60 डिग्री और ये आपको मान लो दे दिया है 130 डिग्री, तो आपको ये मान लो पूछ लिया है x डिग्री, बस इतना सा काम है। आपको मेरी बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब देखो, ये लाइन और ये लाइन तो समांतर है, ये दोनों समांतर है, और ये लाइन दोनों समांतर है। आपको जहाँ भी पैरेलल लाइन दिखाई दे, जहाँ भी समांतर लाइन दिखाई दे, तो आप सिर्फ इतना सोचा करो कि कोई दो लाइन अगर समांतर है तो कोई लाइन ऐसी है क्या जो उसको काट रही है? जहाँ काट रही है वहीं तो अपना रूल लगने वाला है, क्योंकि जब भी दो लाइनों को ऐसे पैरेलल को काटे तो वो ऐसे भी हो सकता है कि कोई लाइन को ऐसे काटे, वो ऐसे भी हो सकता है कोई लाइन को ऐसे काटे, कैसे भी काटे यार, कोई काटे बस, है ना? कटेगा ना तभी तो समझ में आएगा कि किधर से क्या है। चलो देखो, आप मुझे ये बताओ, अगर ऐसा ऐसा है तो क्या कहीं हम कुछ समझ सकते हैं? बोला हाँ सर, कुछ आइडिया लगाते हैं, यहाँ से लगाएं, यहाँ से, यार कैसे लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 60 है तो बोला ये 60 नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये 60 कैसे होगा, कोई वर्टिकल अपोजिट थोड़ी है, हाँ इस लाइन को आगे बढ़ा दे तो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन आप एक रूल अभी अभी समझ में आया, देखो जब कभी दो लाइनें ऐसे हों और उसको कोई लाइन ऐसे काटे और यहाँ अगर 130 बन रहा है तो क्या यहाँ 50 बनेगा? बोला सर ऐसे कैसे बनेगा? अरे भाई दो समांतर लाइन है, एक लाइन काट रही तो दोनों इंटीरियर का योगफल, दोनों अंत का योगफल 180 होता है, इसीलिए मैंने दोनों, ये 130 होगा तो ये 50 होगा, तो क्या यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये 130 है तो ये 50 होगा? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, 50 डिग्री निकाल लिया। ओहो अच्छा, अब एक बात बताओ, एक सीधी लाइन हो उसके इधर ऐसे एंगल बना रखे हों, बोला ये 50 है और नीचे वाला 60 है तो बीच वाला कितना होगा? अरे सर ये तो बहुत सिंपल बात है, अरे तीनों का योगफल 180 होता है। अरे तो यहाँ नहीं दिख रही क्या वो सिंपल बात? यहाँ भी तो देख सकते हो, यहाँ भी तो ये सीधी लाइन है और उस सीधी लाइन में ऐसे कोण बन सकता है टोटल कितना, 180 डिग्री का, तो 50 और 60 कितना होता है रे, 110 होता है, और ये कितना बच गया, 70 बच गया। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मैं यहाँ पर देखो सवाल को जल्दी न करके आपको हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ से लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा समझना इस बात को, अगर मैं इस लाइन को आगे, देखो मैं ये लाइन बढ़ा रहा हूँ और आपको मालूम है ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो आप ध्यान दो, मैं अलग से फिर से बता, क्योंकि अलग से बनाया हुआ थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे कोई लाइन है और कोई दो लाइन ऐसे है और यहाँ बना हुआ है 70 डिग्री, तो क्या यहाँ भी 70 होगा? बोला सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, बिल्कुल सही कहा रे बच्चा, बिल्कुल 70 to 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, है ना, संगत कोण है। अच्छा ये 70 है तो इट मीन्स इधर भी कितना होगा, 70 होगा रे। ओके मिल गया ना आंसर, देखो सर ये 70 है तो पूरा 180 होगा, 180 में से 70 वाला हटा दो, सर अगर 70 हटा दोगे तो इधर कितना बचेगा, इधर 110 बचेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आई, किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही ना? इसी तरीके से बस आप लगे रहें, ठीक है ना? ओके, तो इससे आगे देखो,
इसको हम मिटा देते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। रे बाबा, इसको भी मिटा देते हैं, साथ साथ में लिख देंगे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझा देंगे। अब तो आप समझने लग गए हैं। चलो देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मान लो कि ऐसा और यहाँ मान लो ऐसा। अगर आपको कोई ये बताए कि ये 100 डिग्री है, ठीक है, और आपको कोई कहे कि ये 30 डिग्री है, समझ में आ रहा है? नहीं दिख रहा सर, छोटा है, बहुत छोटा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हो गया 30 डिग्री। अब इसके अनुसार आपको बताना है कि ये वाला जो कोण है ना, मान लो एक्स डिग्री है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, देखते जाइए डायग्राम आपके सामने। तो क्या आप कोई लाइन को आगे बढ़ा करके, कैसे भी काट करके, कैसे पहुंच सकते हो यहाँ तक? अरे पहुंच सकते हो क्या? हाँ सर पहुंच जाएंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर। ये दोनों समांतर नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, अरे समांतर लाइन कभी भी अनंत तक काटती नहीं है। ये तो काट रही हैं, यहाँ कट गई, अब इससे आगे ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, कट के निकल जाएगी ना, लेकिन हमें डायग्राम यहाँ तक ही दिया होता है। बात समझ में आई? ओके, कोई बात नहीं, डायग्राम से क्या मतलब, आगे निकल सकता है। ओके ठीक है, ये 100 डिग्री है और ये पैरेलल है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ा दिया सर, बोला डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट, ताकि मज़ा आए देखने में, हाँ कि ये बढ़ाई गई है। ओके, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल है, दिख रही है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और फिर इसको देखो, ये लाइन काट रही है, ये लाइन काट रही है, अरे ये 100 होगा तो ये 100 नहीं होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि ये और ये क्या है सर? ये दोनों संगत कोण हैं। अरे एक जैसी संगत है, मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर आपको यहाँ पर कोई त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ओके, तो देखो ट्राइंगल वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी कोई ट्राइंगल बनता है तो उसके ये जो एंगल बनता है उसको बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो ऐसी लाइन आगे बढ़ा दो तो ये एक्सटीरियर, जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो ऐसे बढ़ा दो तो ये एक्सटीरियर। आपने इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, अरे किसी भी साइड बढ़ा दो, ये देखो एक पंखा सा बन गया है ना? तो इस समय ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, इनका टोटल कितना होता है, क्या होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इतना समझ लेते हैं कि कहाँ से क्या निकलता है। तो देखो, अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री मान लिया, तो 50, 60, 110, तो ये कितना होगा? 70। तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? बोला सर 110। ध्यान देना, ये 110 है ना, इन दोनों का योगफल होता है, यानी इसका एक्सटीरियर जो होगा ना, बाकी दो के टोटल के बराबर होगा। तो मुझे बताओ, अगर हम इस कोण के एक्सटीरियर की बात करें, इसका एक्सटीरियर बाहर है, तो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। सीधा तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं, ये रूल तो आप बाद में पढ़ना, पहले हमें अभी जो बताया 110 और 130 कितना हो जाएगा, 130 उत्तर आएगा। सीधा चलो वैसे करो, कैसे? एक तरीका और भी तो है, अरे त्रिभुज का नियम लगाओ। त्रिभुज का नियम का मतलब क्या है? त्रिभुज का नियम का मतलब ये है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल कितना होता है, उनका टोटल 180 होता है। 100 ये रहा, 30 ये रहा, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो 100 और 30, 130 बराबर कितना बच गया, ये 50, बोलो बच गया क्या? अगर ये 50 है तो ये सीधी लाइन ना है क्या? ये सीधी लाइन है तो टोटल कितना होगा, पूरा 180 होगा। 180 में से 50 घटाओ तो बराबर ये कितना बचेगा, 130। बात तो वही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या? बस इसी तरीके से आपको करना था, कोई बड़ी बात नहीं, आप लगे रहें, फटाफट आंसर देते रहें। सबको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। ओके, बस ऐसे ही मज़े लेते रहिए, आपका क्या जाता है ना, कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, छुट्टियों का मज़ा लीजिए। तो अब देखो, जैसे ये एक छोटा सा एंगल ये बना दिया, ये बना दिया, है ना? अगर ऐसा होता है तो ये 120 दे दिया मान लो आपको, ठीक है ना, और ये भी मान लो आपको कोई कोण दे दिया, ये ऐसे 2x दे देते हैं और ये अंदर का x दे दिया, समझ में आ रही बात है ना? तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है कुछ अलग, ठीक है ना? x का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें करना क्या है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? ओके, तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे? देखो आराम से हो जाएगा, आप समझो, ये सीधी लाइन है तो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है,
180 है क्या? और ये 180 है तो ये कितना बच गया, 180 में से 2x घटा दो। बात समझ में आई क्या? किसको घटा दो? अरे पूरा 180 है उसमें से 2x घटा दो। अब मुझे बताओ इधर वाला कितना होगा? बोला सर ये 60 होगा क्योंकि पूरा 180 होता है। ओके तो 180 माइनस 2x ये तो ये आ गया प्लस 60 हो गया प्लस x आ गया। आप देखो क्या है ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है क्या? तीनों कोणों का योगफल है। ये कोण प्लस ये कोण तीनों कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो ध्यान दीजिए ये इधर x वाली वैल्यू जो है ना इसको इधर रख लीजिए, बाकी को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो माइनस का 2x और प्लस का x, ये माइनस का है प्लस का, बराबर 180 तो उधर है ही। इस 180 को भी उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, ये और भेज दो ये भी माइनस 60 हो जाएगा। तो आप देखेंगे माइनस का 2x में से 1x प्लस का गया तो माइनस का x बच गया, ये कैंसिल माइनस का 60 बच गया, माइनस 2 माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो आप समझ सकते हो x का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे और भी मस्त मस्त क्वेश्चन होंगे वो हम आगे वाली क्लास में आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो बने रहिए, यूं ही देखते रहिए, साथ वालों को बताओ ताकि दूर तक फैले और बच्चों को पता चले, ठीक है बच्चों? थैंक यू, ओके बाय।